हेलो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्शन रिएक्शन। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त फारूक मुगल। स्टिल यू डिड नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। दिस वीडियो इज अ रिएक्शन एंड रिव्यू वीडियो ऑफ द मूवी ट्रेलर एंड मूवी नेम इज पीएम नरेंद्र मोदी। पहले हम देखेंगे इस मूवी का ट्रेलर और उसके मेरा रिएक्शन, और उसके बाद मैं दूंगा आपको शॉर्ट रिव्यू इस मूवी और इस ट्रेलर के हवाले से। तो आइए चलकर देखते हैं पहले हम इस मूवी का ट्रेलर और उसके मेरा रिएक्शन। सर, एक बहुत बड़ा हमला होने वाला है। आप पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक करेंगे और देश की सत्ता में वापस आएंगे। आज रात 9:10 पे कम बैक ऑफ नरेंद्र मोदी। ये फर्जी डिग्री वाला इस देश का पीएम बनेगा। एक शीशी सफेद पेंट डालकर उसे अच्छी तरह से धोएगा। अब इसी नकली दूध और सिरका पाउडर मिलाकर चाय बनाने के बाद उसे केतली में भर कर के फौरन स्टेशन की तरफ निकल पड़ता है। पूरी दुनिया बोलना चाहती हूँ। जो हिंदू राष्ट्र चाहते हैं वो डेवलपमेंट नहीं चाहते। आरएसएस एक समाज सेवी संस्था नहीं, हिंदुवादी राजनीतिक संगठन। पतंजलि का बिस्किट खाया जाएगा, मोदी व्यापारियों से नहीं, व्यापारी मोदी से डरेगा। जब तक हिंदू और मुसलमान एक है, ये आरएसएस कभी मजबूत नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी हम इस देश से गांधी को नहीं निकाल पाए। बाबू के दंगे और सुरेश रिचर भी अपनी जुबानी ये मान चुके हैं कि खुद मोदी ने उन्हें दंगे के दौरान मनमानी खुली छूट दे दी थी। इस देश पे कब्जा करना है तो पहले इस देश के संस्थानों पे कब्जा करना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई पिंजरे में तोते की तरह है और उसके कई मालिक थे। पुलवामा आतंकी हमले में 30 जवान शहीद हो गए। अब तक का सबसे बड़ा हमला है ये जम्मू कश्मीर में। जब तक शूटिंग कंप्लीट नहीं कर लूंगा मैं यहाँ से नहीं हिलने वाला। जो मेरा फिल्म चुनाव से पहले रिलीज ना हुआ तो कोई फिल्म रिलीज नहीं होगा। फिल्म्स रिलीज डेट हैज बीन प्रीपोन्ड, इट्स बीन मूव्ड अप। चेतावनी देता हूँ मैं राहुल गांधी को, जो रफाइल का मुद्दा दोबारा उठाया तो सीबीआई से फर्जी केस में अंदर करवा दिया। तुमने 2002 का गुजरात देखा, आने दो, अब पूरा भारत देखो। चल झूठ। क्या बात है, वेरी नाइस, ग्रेट। तो जी फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे साथ देखा इस मूवी का ट्रेलर और उससे मेरा रिएक्शन। हम बात करेंगे आपसे इसी मूवी के हवाले से। बायोग्राफिकल ड्रामा पीरियड पॉलिटिकल मूवी है ये, और हिंदी लैंग्वेज मूवी है, और इस मूवी को डायरेक्ट किया है उमंग कुमार ने। और इस मूवी की जो कास्ट में शामिल है वो है वियोग ओब्राय, बार्बिक पाशित, जरीन वहाब, मनोज जोशी, बोमन ईरानी, दर्शन कुमार वगैरह शामिल हैं। अब हम बात करेंगे आपसे इस मूवी के ट्रेलर के हवाले से। काफ़ी बेहतरीन तरीके का था, और एक तरह से आप कह लें इस तरह की जो मूवीज़ होती हैं काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल और काफ़ी मसले मसाइल का शिकार होती हैं, बनते हुए भी रिलीज़ होती हैं, क्योंकि ज़ाहिर एक सच्चाई और हकीकत से मबनी जो चीज़ें होती हैं उनको बनाना और फिर बड़े पर्दे पर लाना और पेश करना बहुत मुश्किल किस्म का काम होता है, क्योंकि काफ़ी सारे मसले मसाइल और दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है बनाते हुए और बनते वक्त भी, और बनाने के बाद भी रिलीज़ होने में भी काफ़ी मसले मसाइल होते हैं। और एक तरह से क्योंकि ज़ाहिर काफ़ी सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है कि क्या दिखाना है क्या नहीं, क्योंकि काफ़ी कुछ होता है, चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि शायद नहीं दिखा सकते, और कुछ दिखाने चाहते हैं तो ना दिखा पाते हैं, क्योंकि मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी सिचुएशन काफ़ी हो जाती हैं इस तरह की मूवीज़ बनने में। और काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की बनाई है, काफ़ी मेहनत और लगन के साथ काम किया गया, और इस तरह की जो मूवीज़ होती है उसमें काफ़ी रिसर्च करनी पड़ती है, जानना पड़ता है, हिस्ट्री निकालनी पड़ती है, उसके मुताबिक फिर काम होता है, फिर जो कास्ट वगैरह होती है उन सबको भी उसी करेक्टर के मुताबिक ढलना होता है, क्योंकि ज़ाहिर एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा हाई होती हैं लोगों की, क्योंकि लोग रियल चीज़ देखी हुई होती है तो फिर उसके मुताबिक वो देखना चाहते हैं कि इस बंदे ने एक्ट करने के बाद उसको किस तरह से पेश किया और क्या क्या किया है। तो उस तरह से बहुत मेहनत और लगन के साथ काम करना पड़ता है। वियोग ओब्राय ने काफ़ी अच्छा
काम किया जो कि नज़र आ रहा है इसके अंदर। इसके अलावा जो दीवर कास्ट है और उन्होंने भी मतलब काफ़ी अच्छा जम के काम किया गया और काफ़ी अच्छे अंदाज में ट्रेलर को पेश किया गया जो कि मूवी की तमाम नुमाया खसूसियात के तमाम काफ़ी सारे पहलुओं को वाजे करके उजागर कर रहा है। स्क्रीन प्ले सिनेमेटोग्राफी भी बेहद कमाल की लग रही। जब आप इस मूवी को देखेंगे तो इन्जॉय कर सकें, काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा, जो आप नहीं जानते वो भी शायद आपको कुछ पता चले और जो जानते हैं तो फिर और अच्छे तरीके से इसको आप जान पाएंगे। मज़ा आएगा आप इसको जब देखेंगे तो, क्योंकि ज़ाहिर काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल और बहुत बेहतरीन किस्म के सब्जेक्ट पर बनाई गई है जो कि आजकल चर्चा में फेमस है और जब आप इसे देखेंगे तो इन्जॉय कर सकेंगे। बहुत ज़बरदस्त किस्म का काम किया गया है और बहुत अच्छे अंदाज में एक चीज़ को पेश किया गया है। तो जी फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे साथ देखा इस मूवी का ट्रेलर और तो मेरा रिएक्शन, और उसके बाद मैंने दिया आपको शॉर्ट रिव्यू उस मूवी और इस ट्रेलर के हवाले से। अब आप भी हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं कि आपकी क्या राय इस बारे में। अब आपकी कीमती राय के शिद्दत से मुंतजर हैं। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर माई वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।